हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान वर्ल्ड। उम्मीद है सब ठीक होंगे, आप सबके पेट्स वगैरह ठीक से होंगे। भाई आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑस्कर की, कि मेरी ऑस्कर की क्या अपडेट है भाई, कितनी वो बड़ी हो भी रही हो रही है, क्या प्रोग्रेस है। तो आज तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो भाई ऑस्कर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और ग्रो भी हुई है। मेरे पास ये इतनी बड़ी नहीं थी, जैसे कि आप लोग अगर मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को आइडिया होगा कि ये कम से कम इन्होंने आधा इंच तो ग्रो करा ही करा है। और वैसे भी ऑस्कर जो है बड़ी फास्ट ग्रोइंग फिश है, लेकिन इसको थोड़ा रखने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर आप इसका तरीका अच्छी तरह रखते हैं, इसको डाइट प्रॉपर देते हैं, तो ये बहुत रैपिडली आपके पास ग्रो करती है। बस कुछ ट्रिक्स को आपको फॉलो करना होता है ऑस्कर रखने के लिए। और ऑस्कर के साथ साथ मेरी बाकी फिश भी रखी हुई हैं, जिसके अंदर अकारा हैं, चार अकारा हैं, बाकी दो इसके अंदर सेवराम हैं। ये ऑस्कर जो है पहले मेरी इस टैंक में थी, तो इस टैंक में ये मेरी एरवाना को बुली कर रही थी, तो इस वजह से ये इस टैंक में आ चुकी हैं। और मेरी एरवाना को ऑस्कर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों वो उसको बुली करते थे, जिसकी वजह से मैंने अपने ऑस्कर्स को लेके इस टैंक में डाल दिया था। और इस टैंक के अंदर ये बहुत अच्छे से रह रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली मैंने वाटर चेंज किया था, उसकी अपडेट आप लोगों ने देखी होगी। तो ऑस्कर रखने का सिर्फ सबसे पहला रूल जो है ना, वो है भाई गुड फिल्ट्रेशन और वाटर चेंजेस। वाटर चेंजेस क्यों? क्योंकि ऑस्कर जो है मैसी ईटर होती है, काफ़ी ज़्यादा खा लेती है, और इसके नीचे सारी फिश पूप वगैरह जमा हो जाती है, जिसकी वजह से एमोनिया बढ़ जाता है। एमोनिया बढ़ने की वजह से आपकी फिश ग्रो नहीं करती, और कभी कभार तो आपकी फिश मर भी जाती है अगर आप अपने वाटर चेंज नहीं करते। तभी वो वाटर चेंज लाजमी करा करें। वाटर चेंज अगर आप हफ्ते में दो दफ़ा नहीं कर सकते, तो आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी करें। और जब आप हफ्ते में एक दफ़ा करते हैं, तो 30 to 40% भी अगर करते हैं तो बुरा नहीं है। बस आपको कोशिश करनी है, नीचे से आपको सैफन करके इनकी सारी गंदगी निकाल लेनी है, उसके बाद जाके आप इसमें 40% पानी निकाल के 40% पानी इसमें ऐड कर दें। इससे आपका टैंक बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएगा। और हाँ, जहाँ तक फ़िल्ट्रेशन की बात है, तो भाई फ़िल्ट्रेशन मैं इस्तेमाल करता हूँ स्पंज फ़िल्टर, जो कि बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है, वाटर को क्रिस्टल क्लियर रखता है। और काफ़ी हद तक मुझे ना इसमें लिटरली इतनी नीड नहीं होती कि मैं कोई दूसरा फ़िल्टर लगाऊं इसके अंदर। और बाकी ऑस्कर के साथ अकारा बहुत ज़बरदस्त रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑस्कर जो है इन पर अटैक करता है, पता नहीं क्यों। हालांकि एरवाना के ऊपर अटैक करता है, इन पर अटैक नहीं करता। मैं इसकी वजह से थोड़ा सा वो होता हूँ, अमेज्ड होता हूँ कि भाई ऐसा क्या सीन है। लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो ये इनका बेहतरीन टैंकमेट है, जिसकी वजह से इनको ऑस्कर इतना बुली नहीं करते। और बाकी सेवराम की बात करें, तो भाई सेवराम भी इनका बेहतरीन टैंकमेट है। ये सेवराम के साथ ऐसे रहते हैं जैसे कि ये दूसरी ऑस्कर के साथ रहते हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि इतना टैंक मेट जो होते हैं उसके ऊपर कभी कभार ये होता है कि भाई जो टैंक मेट्स होते हैं ना, जो जिनको दुनिया कहती है कि भाई टैंक मेट्स हैं, लेकिन वो भी कभी कभार आपस में लड़ते हैं, उनको भी एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे पास जो इस टैंक के अंदर है, माशाल्लाह से कि बाकी सारी फिशेस बहुत अच्छे से रह रही हैं, और इसमें चार ऑस्कर, चार अकारा, दो सेवराम हैं, और ये बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं इस टैंक के अंदर। और बाकी ये वाला जो आप ऑस्कर देख रहे हैं, ये एरवाना को तंग करता था, और ये भी देख सकते हैं। इसकी मुझे पहचान ऐसे है कि भाई इसके ऊपर आप देख रहे हैं, इसके फेंस के ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्लैक मार्किंग है, तो इसकी पहचान मुझे इस तरह हो जाती है। बाकी सब जो है उनके ऊपर इतनी ब्लैक मार्किंग नहीं है। तो जब आप फिश रखते हैं तो आपके अपनी फिशेज़ की आपको पहचान हो जाती है। और ऑस्कर का सबसे प्यारा सीन ये होता है कि ये ह्यूमन, मतलब इसको पता है क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पपी। जैसे डॉग आपको देख के रिएक्ट करते हैं ना, ये उसी तरह रिएक्ट करते हैं। जब भी आप इनके टैंक के पास आएंगे, कुछ करेंगे, तो ये आपके पास आके खड़े हो जाते हैं, जैसे कि इनको फीड चाहिए, तो इस तरह रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ऑस्कर बहुत पॉपुलर है। और मेरी भी फेवरेट फिश ये इसी वजह से ही है। हालांकि इसने मुझे जितना नुकसान पहुंचाया ना भाई, उतना शायद ही किसी दूसरी फिश ने पहुँचाया। मेरी एरवानों को इन्होंने मार दिया था, ठीक है, बिल्कुल मार दिया था भाई। पहले उसको निप करते रहे, करने के बाद जाके उसको खा गए थे थोड़ा। तो इसकी वजह से जितने मॉन्स्टर हैं, लेकिन उतने खूबसूरत भी हैं, मेरे फेवरेट इसी वजह से हैं। और इसकी आप आंखें देखें, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, रेड आई है बिल्कुल। और जब ये ग्रो हो जाएंगे ना, जब ये ग्रो हो जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, पूरा इनकी बॉडी वाइट हो जाएगी, ठीक है। वाइट होने के बाद जो आप ऑरेंज ऑरेंज देख रहे हैं, वो ऑरेंज ऑरेंज सा पैटर्न होगा, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा जंबो शॉर्ट बॉडी ऑस्कर ग्रो कर चुका हूँ अपने पास, उसको मैंने सील किया था, वो चला गया था क्वेटा,
और शॉर्ट बॉडी के अलावा मेरे पर टाइगर ऑस्कर भी थे बड़े बड़े साइज में। अगर मेरे पर कोई वीडियो पड़ी हुई ना, क्योंकि दरअसल फोन चेंज किया मैं तो पिछले फोन में था, डाटा वगैरह जो है कि मैं इतना करता नहीं हूँ, क्योंकि देखें यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं ना भाई तो हमारा मोबाइल फुल ही रहता है। हम भला 512 ले लें, कितना भी GB ले लें ना, हमारा फ़ोन भरा ही रहता है, तो इसकी वजह से हम डाटा डिलीट करना पड़ता है। तो अगर कोई वीडियो मिल गई ना मुझे पुराने अपने ऑस्कर्स की, तो उनकी वीडियो ज़रूर चलाऊंगा दरअसल। और अभी मेरा सीन ये था कि छोटी ऑस्कर लेने का मेरा प्रोग्राम इस वजह से था कि मेरी सेवराम भी छोटी है। सेवराम तो मेरे पास बहुत छोटी आई थी, बिल्कुल 1-1 इंच की थी जो मैंने ली थी। अब देखें इनका साइज़ अच्छा हो गया है, बाकी अकारा भी छोटी हैं, तो अभी एक तरह के ये लगभग एक दूसरे के साइज़ के हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है टैंक मेट्स अगर आपको एक टैंक आप चाहते हैं जिसके अंदर डिफरेंट फिशेस रहें। और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर फिश का अलग टैंक बनाऊँ, या क्योंकि देखें हर फिश का अलग टैंक बनाऊँगा तो भाई मेरे पास टैंक अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी। तो मैंने सोचा है कि भाई जैसे ये साउथ अमेरिकन सिकलेट्स हैं जिसमें सेवराम है, ऑस्कर है, ग्रीन टेरर बोलो, आकार है, ब्लू आकार है, तो ये सब एक एक साथ करके रखूँ, जैसे कि एंजल वगैरह नीचे रहती हैं। और एंजल का भी दिखाऊँ तो भाई एंजल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा ग्रो कर रही होंगी। तो बाकी ये कि ऑस्कर का आप देखें, इसके पैटर्न बहुत खूबसूरत हैं और इसके पैटर्न ग्रो करने का बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके नेचुरल पैटर्न होते हैं। लेकिन हाँ, उसको आप ब्राइट ऐसे कर सकते हैं फीडिंग से। फीडिंग अगर आप अच्छी कराएंगे ना अपने ऑस्कर को, तो आपके ऑस्कर के कलर पैटर्न बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, बहुत डार्क हो जाएंगे, तो ये एक ऑस्कर की ब्यूटी होती है। लेकिन मैंने कुछ लोगों के पास ऐसी ऑस्कर भी देखी हैं कि भाई उन्होंने अपने ऑस्करों का बेड़ा गर्क किया हुआ होता है, ऐसे उसके अंदर कलर अजीब से हुए होते हैं, डल डल से, कि वो बिल्कुल ही कोई अजीब सी फिश लगती है। हालांकि ऑस्कर जो है बहुत गुड लुकिंग फिश है, और मैंने हमेशा से कोशिश की कि इनकी मैं ब्रीडिंग का ऊपर पर्पस करूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा फिश होता है, कम से कम भी ये 1 फिट का हो या 10 इंच का, उसके बाद जाके ब्रीडिंग एज में आता है। और इसके लिए मतलब आपको बहुत बड़ा टैंक चाहिए होगा। तो इंशाल्लाह कभी फ्यूचर के अंदर जब मैं अपना सेटअप बड़ा करूँगा, जैसे कि मैं अक्सर वीडियोस में बताता आता हूँ कि मैं अपनी रूफ टॉप के ऊपर एक अपने सारे पेट्स का एक पूरा एक ज़ू या एक छोटा सा फार्म नुमा छत के बनाऊँगा, रूफ टॉप फार्म बनाऊँगा अपने इंशाल्लाह, तो उसके अंदर हम बहुत बड़ा सेटअप करेंगे, तो शायद उधर उस वक्त हम लोग ऑस्कर की ब्रीडिंग ही ट्राई कर सकते हैं। और दीगर फिशेज़ की भी ब्रीड कराऊंगा इंशाल्लाह। तो जैसे कि मैं पोलर पैरेट की बहुत कराई है ब्रीड, मैंने रेड जुल की बहुत कराई है, तो बाकी अभी जो है राइट नाउ ब्रीडिंग का मैंने टैंक्स वगैरह ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट है वो मेरा बर्ड्स का, ठीक है। बर्ड्स की ब्रीडिंग अगर मेरी हो जाती है सक्सेसफुल, मैं हो जाता हूँ ये गोल्डन फिंच की ब्रीडिंग के लिए, तो बाकी मैं दिखा दूँ, ये फीमेल्स हैं, ये मेल हैं, और नीचे जो है वो फोस्टर पेयर है, नॉर्मल कॉमन बेंगलाइज हैं ये। तो अगर ये मेरा प्लान सक्सेस हो जाता है तो फिर मैं इंशाल्लाह इनके एक रूम अलग सेपरेट करूँगा, बाकी फ़िश का अलग रूम करूँगा, और उसके अंदर इंशाल्लाह हम फिर ब्रीडिंग कराया करेंगे और एक्सपीरियंस करा करेंगे, और आप लोग साथ भी शेयर करा करूँगा कि भाई कौन सी फ़िश की ब्रीड कैसे होती है और मैंने किस तरह ब्रीड कराई। और ब्रीडिंग कराना, जहाँ तक मैंने देखा ना अभी तक, ब्रीडिंग कराना मुश्किल नहीं है, थोड़ा ट्रिकी होता है। दरअसल उसके अंदर सबसे पहले तो आपको फ़िश को कंफर्टेबल करना पड़ता है। फिश अगर कंफर्टेबल होगा, आपका वाटर पैरामीटर, पीएच, ये हार्डनेस वगैरह सब नॉर्मल होगी, तो फिश आपकी ब्रीड कर जाएगी। और लेकिन सबसे मुश्किल ये होता है कुछ फिशेज़ का मेल फीमेल फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एज अ ब्रीडर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा ब्रीडर तो था नहीं भाई, लेकिन छोटा मोटा ब्रीडर था, तो मुझे इसकी वजह से ये एक्सपीरियंस है। तो खैर, ये तो हम फ्यूचर की बात कर रहे थे, राइट नाउ फिलहाल हम ऑस्कर के ऊपर बात कर रहे थे, तो ऑस्कर पे ही आते हैं। ऑस्कर माशाल्लाह से बहुत अच्छी जा रही हैं, आप लोग भी बताएगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बहुत लॉयल हो गए हैं, और मुझे सच बताऊँ इतना प्राउड फील होता है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता कि यार के लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं एरोगेंट हो जाऊँ या खुशफहमियाँ पाल लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे सब्सक्राइबर मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे गुड विशेस करते हैं मेरे लिए, और मुझे मोटिवेट करते हैं सबसे चीज़। और मुझे सबसे अच्छा ये चीज़ लगती है कि अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया से मुझे इतना सपोर्ट आता है ना, इतने मुझे सब्सक्राइबर हैं, मेरे कमेंट्स हैं, करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें और इस हॉबी को हम बढ़ाते जाएंगे। और एक अभी तो फ़िलहाल इतने टैंक है, अगर इस तरह मुझे सपोर्ट करते ना, लिटरली मैं पूरा एक बहुत बड़ा सा फिश रूम बना दूंगा, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की फिशेस होंगी, इंपोर्ट करवाऊंगा फिशेस। और बाकी एक, हाँ एक सरप्राइज़ ये कि भाई शायद मैं एलिगेटर गार मैंने इंपोर्ट का सोचा है, तो पॉसिबल अगर बजट बन जाता है तो भाई हम इंपोर्ट करा लेंगे। और रिसेंटली अभी पाकिस्तान में शिपमेंट आने वाली है कुछ दिनों में, तो इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा कि भाई शिपमेंट में क्या आता है।
क्योंकि जो असद है एक्वाटिक हाउस वाला, तो वो अभी गया हुआ है अपना एक्वेरियम फिश की परचेजिंग वगैरह करने के लिए, उनको इंपोर्ट कराने के लिए। तो वो जैसी माल उसका आता है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट दूंगा, उससे मेरी बात होती रहती है। बाकी ये कि ऑस्कर की अपडेट फ़िलहाल यही थी, और मुझे ज़रूर बताएगा कि मेरी ऑस्कर्स आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी और मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।